हमेशा के लिए कमर, घुटनों और हड्डियों का दर्द जड़ से ख़त्म होगा यदि आप ये घरेलू उपाय करते हैं। बहुत ही आसान से उपाय है और बहुत पुरानी रेमेडी है, बड़े बुजुर्गों का बताया गया रेमेडी है, बहुत जल्दी वर्क करती है। तो ये घरेलू उपाय से आपको ज़िंदगी में कभी भी हड्डियों में दर्द नहीं होगी। इस रेमेडी के सेवन करने से हड्डियाँ मजबूत होती है और हड्डियों का दर्द ख़त्म होता है और इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियाँ ठीक होती है जो आगे मैं वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। हड्डियों में कहीं भी कभी भी दर्द नहीं उठेगी और सीढ़ियाँ चढ़ने में भी कटकट की जो आवाज़ें होती है वो भी आवाज़ें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, क्योंकि हड्डियों में बहुत ताकत आएगा। साथ ही आपकी हड्डियों की सभी तरह की दर्द और कमजोरियों को दूर करता है और आपको लाइफ में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होने देगी और हड्डियों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने देगी। ये रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है और इसे बनाने के लिए कहीं भी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपके किचन में ही सब कुछ मिल जाएगी। आपके ये छोटे से उपाय करके आपका हड्डी का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। बहुत पुराना रेमेडी है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी इसका इस्तेमाल करते थे और लंबी आयु तक जीते थे, उन्हें कभी भी जोड़ों और हड्डियों में दर्द नहीं होती थी। और आजकल के समय में तो बुजुर्ग क्या, जवान लड़के लड़कियों को भी जोड़ों और हड्डियों में दर्द स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी खान पान सही नहीं रहती है। गलत खान पान के कारण, गलत तरीके के लाइफस्टाइल के कारण बहुत तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, चाहे वो कमर जोड़ों के या फिर घुटनों में दर्द की समस्या हो या फिर शरीर में कहीं भी कोई भी परेशानी, सब गलत खान पान के कारण ही होती है। तो आज की रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है, ये आपके हड्डियों और जोड़ों के दर्द को ठीक करने के साथ साथ और भी बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी ठीक करने का ताकत रखती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने चाहने वालों को, ताकि सभी को इससे फ़ायदा मिले। और वीडियो को कम्प्लीट देखिए ताकि आपको पूरा जानकारी मिले और हमेशा के लिए आप हड्डी और जोड़ों के दर्द से राहत पा सकते हैं इस रेमेडी का इस्तेमाल करके। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे सौंफ का यूज़ करना है। सौंफ, चाहे हड्डी में ग्रीस की प्रॉब्लम हो या फिर कमजोरी आ गई हो हड्डियों में, उस सभी प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। ये डाइजेशन इम्प्रूव करने का भी काम करती है और भी बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक करती है। इसके साथ ही क्यूमिन सीड हमें लेना है, जिसे जीरा कहते हैं, ये दाल में तड़का लगाने के काम में भी आता है। जहाँ तक जीरे की बात की जाए, इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा पाई जाती है, सूजन कम करने में, मांसपेशियों को आराम पहुँचाने में काफ़ी फायदेमंद होती है। इसमें फाइबर, आयरन, कॉपर, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे विटामिन खास मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही ये पाचन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। यदि किसी को गैस की समस्या है या फिर पेट में दर्द की समस्या है, लूज मोशन हो रही है, ये सभी प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से ठीक करने का ताकत रखती है। सिर्फ 5 मिनट में ये पेट दर्द और लूज मोशन को भी कंट्रोल करती है। इसके साथ ही ये मेमोरी बूस्ट करने का काम करती है। यदि बैड कोलेस्ट्रॉल है तो बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करती है, खून की कमी को दूर करती है, दमे के मरीजों के लिए बहुत ही बेस्ट रेमेडी होती है। इसके साथ ही साथ ये हड्डियों और जोड़ों के दर्द को ठीक करती है और हड्डियों और जोड़ों से यदि कटकट की आवाज़ें आती है तो वो भी ठीक हो जाती है इसके सेवन से। तो चलिए जानते हैं कि और तीसरी चीज़ हमें क्या लेनी है। तीसरी चीज़ की बात की जाए तो तीसरी आपको लेनी है अजवाइन। जी हाँ फ्रेंड, जिसे कैरम सीड के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी औषधि के रूप में मानी जाती है जो हमारे किचन में ही मिलती है। बहुत सारे गुण हैं, जितनी तारीफ की जाए इसकी उतनी ही कम है, क्योंकि ये आपके शरीर से करीब 60-70% बीमारियों को ऐसे ही ठीक कर देती है। जितनी भी शरीर में भयंकर से भयंकर बीमारी होती है सब पेट खराब होने की वजह से होती है, चाहे वो डायबिटीज हो, बैड कोलेस्ट्रॉल हो, हार्मोनल इंबैलेंस हो, या फिर मोटापा की समस्या हो, जोड़ों और घुटनों में दर्द की समस्या हो, या फिर नसों में ब्लॉकेज की समस्या हो, या फिर किडनी और लीवर की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को आप देख लीजिए, सभी कुछ पेट खराब होने की वजह से ही होती है, सही पाचन नहीं होने से, पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं होने से ही होती है। तो ये पाचन क्रिया को दुरुस्त करने का काम करती है जो आपकी सभी बीमारियों को ख़त्म कर देगी। और इसका इस्तेमाल करने से आपकी जोड़ों और घुटनों की समस्या, जो दर्द की समस्या है घुटनों और जोड़ों में, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि इस रेमेडी को कैसे बनाना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक पैन लेना है, उसमें 1 गिलास पानी आप डाल दें। इसे लो फ्लेम में आपको गर्म करना है। तो हल्का सा पानी जब गर्म हो जाए तब इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दें। 1 चम्मच से ज़्यादा जीरा आपको नहीं लेनी है। और फिर 1 चम्मच आपको सौंफ लेना है, फेनल सीड 1 चम्मच लेना है, बस उससे ज़्यादा आपको यहाँ यूज़ नहीं करना, एक बारी के लिए बस इतना ही। और 1 चम्मच आपको अजवाइन लेना है। तो ये तीनों को ही एकदम समान मात्रा में आप लीजिए।
यदि आप गर्मी में इसे बना रहे हैं तो आधा आधा चम्मच तीनों का एकदम समान मात्रा में लीजिए, और यदि ठंड के समय में बना रहे हैं तो तीनों का एक एक चम्मच करके समान मात्रा में लीजिए। तो एक बार के लिए इतना ही लेना है। तीनों चीज इस पानी में मिक्स हो चुकी है और इस पानी को अब अच्छे से उबाल लेना है। धीमे धीमे आंच में अच्छे से लो फ्लेम में इसे पकाइए, जिससे कि ये तीनों चीज़ का अरोमा इस पानी में अच्छे से आ जाए। करीब पाँच से छः मिनट तक इसे लो फ्लेम में अच्छे से पकाइए। तो ये अच्छे से पक चुकी है, अच्छे से उबल चुकी है। तो अब इसका फ्लेम गैस को ऑफ कर दे रही हूँ मैं, और अब इसे हल्का सा गुनगुना ही हमें रखना है। तो हल्का गुनगुना करके मैं इसे छान लेती हूँ। अब चलिए जानते हैं कि इस रेमेडी को किस तरह सेवन करना है। इस रेमेडी को सेवन करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा मधु ऐड कर सकते हैं, मधु लेकिन ठंडा करने के बाद। थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, ज़्यादा गर्म गर्म में मधु नहीं डाला जाता। तो आपको बस थोड़ा सा ठंडा करके ही इसमें डालना होगा मधु। और यदि आप डायबिटीज पेशेंट है तो प्लीज़ इसमें मधु या फिर कोई भी मीठी सामान नहीं डालें, ऐसे ही आपको पीना है। इसका सेवन आप सप्ताह में सिर्फ 2 या 3 दिन ही करें, और सिर्फ 1 महीना के लिए करें। आप देखिए, आपका जोड़ों और हड्डियों का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, और फिर वापस कभी भी दर्द नहीं वापस आएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत पुरानी रेमेडी है। आई होप आप सबों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने चाहने वालों को, ताकि सभी को इससे फायदा। तो ये घरेलू और बहुत ही कारगर उपाय है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताई गई रेमेडी है, बहुत ज़बरदस्त काम करती है। वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।